तो आज की इस डिफेंस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 जून की रात को 16 बिहार रेजिमेंट ने चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स को वो सबक सिखाया था जो कि वो चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे। और इसी 16 बिहार रेजिमेंट को अब लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट से हटाकर हैदराबाद के पीस टाइम स्टेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 16 बिहार रेजिमेंट का लद्दाख की उस फॉरवर्ड पोस्ट पे स्टेशन रहने का टेन्योर पूरा हो चुका था। वैसे तो 16 बिहार रेजिमेंट का ये टेन्योर अप्रैल के मंथ में ही पूरा हो गया था, मगर इस चाइनीज वायरस के चलते जो लॉकडाउन लगा था, मूवमेंट पे जो रोक लगाई गई थी, उसकी वजह से 16 बिहार रेजिमेंट को उसी पोस्ट पे रहने के निर्देश दिए गए थे। अब 16 बिहार रेजिमेंट की इस पोजीशन पे 1 बिहार रेजिमेंट आके पोजीशन लेगी। और अगर आपको गलवान वैली में 15 जून को हुए हिंसा झड़प के बारे में कुछ जानना है तो उसके ऊपर हम एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इस साल इंडिया अपनी एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका और जापान के साथ इस साल ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद ये पहली बार होगा कि इन चारों देशों की नेवी किसी एक्सरसाइज में एक साथ पार्ट लेंगी। और इंडिया की इस क्वाड नेवल एक्सरसाइज चाइना को एक सीधा मैसेज भी जाता है। और ये नेवल एक्सरसाइज इस साल के अंत तक बे ऑफ बंगाल में कराई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इंडियन एयरफोर्स अपने MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट्स में नाइट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की तैयारियां कर रहा है। और वहीं LAC पे कई सारी इंडियन एयरफोर्स की नाइट फ्लाइंग सॉर्टीज और एक्सरसाइजेस ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं। और कई पायलट्स का मानना है कि ये नाइट फ्लाइट्स किसी भी सिचुएशन में हमारी एयरफोर्स को तैयार कराने के लिए कराई जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये जो चाइनीज वायरस है और इसकी वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से चीता हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी हुई है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को चीता हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स में काफ़ी कमी देखने महसूस हुई थी, जिसके कारण इंडियन आर्मी को चीता हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग आवर्स को लिमिट करना पड़ा है ताकि नेसेसरी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को कम से कम किया जा सके। और HAL की तरफ से इंडियन आर्मी को भी बताया गया है कि ये कमी अगले 3 महीने तक चल सकती है। ऐसा इसलिए हुआ था कि लॉकडाउन के चलते HAL ने इन चीता हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट के प्रोडक्शन की स्पीड को काफ़ी कम कर दिया था, जिसकी वजह से इन स्पेयर पार्ट में बनने में कमी आई है। और वहीं हमारी अगली खबर नेपाल से है, जहां पे DD न्यूज़ को छोड़ के बाकी सारे टेलीविजन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी स्विच ऑफ कर दिया गया है। और ये सारे ऑर्डर्स नेपाल के हाई ऑर्डर लेवल से आए हैं, और आप तो अब समझ ही गए होंगे कि ये नेपाल को ऑर्डर्स कौन दे रहा है। हमारी अगली खबर ये है कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तरफ से ये कहा गया है कि वो इंडियन एयरफोर्स की MMRCA 2.0 डील में शामिल किसी भी और यूरोपियन या फिर रशियन काउंटर पार्ट की कंपैरिजन में डबल स्पीड से प्रोडक्शन कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइटर एयरक्राफ्ट प्रदान कर पाएंगे। हालांकि मेरे हिसाब से इस बात से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की तरफ से रखे गए जो सजेशंस थे, जैसे F-22, उनको हम खरीदने वैसे भी नहीं वाले थे। और मेरे हिसाब से जब भी MMRCA 2.0 डील आगे बढ़ेगी, तब इसमें F-22 के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये MMRCA 2.0 डील क्या है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और वहीं सब्सक्राइब भी कर देना इस वाले चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।